प्रमेय सात, कथन। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ज्ञात है वृत्त के एक चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण कोण POQ और शेष परिधि के R बिंदु पर बना कोण कोण PRQ है। सिद्ध करना है कोण POQ बराबर 2 गुना कोण PRQ। रचना, बिंदु R को केंद्र O से मिलाते हुए M तक आगे बढ़ाया। उपपत्ति, त्रिभुज पी ओ आर में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो त्रिज्या ओपी है, त्रिज्या ओपी है वो त्रिज्या ओआर से बराबर है। ये जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, ये त्रिभुज की बराबर भुजाओं के यहाँ पे त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं नियम लगाया है। उसी तरह से कोण पी ओ एम बराबर कोण ओ पी आर धन कोण ओ आर पी, जो कि बहिष्कोण प्रमेय है, ये बहिष्कोण प्रमेय से हमने लिया है। अब क्योंकि OPR और कोण ORP बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं कोण POM बराबर, यहाँ पे हम कोण ORP के स्थान पे कोण OPR लेंगे, तो कोण OPR धन कोण OPR बराबर 2 गुणा कोण ORP। यहाँ पे हम कोण OPM बराबर कोण OPR धन ORP, यहाँ हम कोण OPR के स्थान पर कोण OPR के स्थान पर कोण ORP लेंगे। कोण ORP धन कोण ORP बराबर 2 गुणा कोण ORP, इसे हम समीकरण एक ले लेते हैं। इसके बाद त्रिभुज क्यू ओ आर में यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ओ क्यू बराबर ओ आर है, ये एक ही वृत्त पर एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं हैं, उसी तरह से कोण ओ क्यू आर बराबर कोण ओ आर क्यू जो कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण है। इसी तरह से आगे हम यहाँ पे कोण क्यू ओ एम बराबर कोण ओ आर क्यू धन कोण ओ क्यू आर लेंगे। यहाँ पे हमने बहिष्कोण प्रमेय लगाया है, बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम इस कोण ओ क्यू आर के स्थान पर हम कोण ओ ओ आर क्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कोण क्यू ओ एम बराबर दो गुणा कोण ओ आर क्यू। ये हमारा समीकरण दो, इसका नाम देंगे हमने यहाँ पे कोण ओ आर, यहाँ हमने यहाँ पे कोण ओ क्यू आर के स्थान पर कोण ओ आर क्यू लिया है और कोण ओ आर क्यू धन कोण ओ आर क्यू बराबर दो गुणा कोण ओ आर क्यू होगा। अतः समीकरण एक और दो को हम यहाँ जोड़ेंगे, तो अतः कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम बराबर दो गुणा ओ आर पी धन कोण दो गुणा कोण ओ आर क्यू। यहाँ पे हमने समीकरण एक व दो को जोड़ने पर इस प्राप्त किया है। अब कहीं हम कोण पी ओ एम चित्र में कोण पी ओ एम धन कोण क्यू ओ एम को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण पी ओ क्यू बराबर दो को हम यहाँ उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा कोण ओ आर पी धन कोण ओ आर क्यू जिसे हम कोष्टक में रखेंगे, या कोण पी ओ क्यू बराबर दो गुणा ये दोनों कोणों का योग जो है वह बन जाएगा कोण पी आर क्यू से। इस प्रमेय में यही सिद्ध करना है। आइए अब हम प्रमेय सात की एक स्थिति पर विचार करते हैं जब चाप एक अर्धवृत्त हो।